हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेलकम है आपका नए व्लॉग में। ज़्यादा बड़ा व्लॉग तो नहीं है, बस छोटा सा ही करवा चौथ की क्लिप्स बनाई थी दो चार, महा चलो आपके साथ शेयर कर दी हूँ। तो हमने काम गुम कर लिया था सारा, और यूँ टाइम था 10 साढ़े 10:30 11 के करीब का। तो यहाँ हमें काम दाम तो निपट के और व्रत की कथा करने की तैयारी कर रही हाँ। और हार्दिक सब आ गए नाल बांधना है, तेनू क्या पहला मेरे बांधो टीका करे, इन मेरे करो देख लो कि बाज बाज का गावे है, पूरा शैतान नहीं हुई देख ली। मैं पीछे न करूँ फिर अगे ना वही न छेड़न का मारिया, और फिर इसका फंस गया नाल उधेड़ बगाया सारा। फिर मैं संदीप्ति कहूँ थी मगा इसने पकड़ लियो। थोड़ी सब्जी की तैयारी कर दी है, टाइम हो गया 6 बज गए हैं, और सब्जी बनाऊंगे आज आलू और शिमला मिर्च की, छोटी सब्जी काट लिए हैं फटाफट से छोक रही हूँ। और पूजन खातर शाम खातर मैं बनाऊंगी बर्फी, उस खातर भी मैंने दूध धर दिया है, और एक साइड ये दूध उबला है तो सब्जी छोक दूँ मैं। कुछ तो दूध है जो कर भैंस का दूध है 1.25 किलो के करीब, और कुछ है सूखा दूध उसकी बनाऊंगी। ये जल्दी भी बन जाए हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आवा है इनका, मैंने एक बार पहले भी बनाई थी। ये सूखा दूध का डिब्बा है, ये सारा ही गिर लूँगी। ये उबला पक्ष है, ये सही तरह उबल जाएगा ना, फिर इसने थोड़ा 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 करके गिर के और मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में, जो कि गांठ भी ना पड़े। तो मैं अपने दिखाऊंगी, और ये सब्जी की तैयारी कर दी है। तो भी छोक तो मेरा मोस्टली हो गया था, मैंने मंदा करके सब मसाले वसाले गिर के मंदा करके दर दिया। वहाँ एक इसमें उबाल सा आ जाएगा, थोड़ा सा मसाले पकेंगे, इतने साइड में दूध भी उबल गया था, तो इसमें ये सूखा दूध है थोड़ा 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 मिक्स करके, और इसने अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जो कि इसमें लम्स वगैरह ना पड़े। तो इसमें ये मिक्स करने का है ना, इससे सही हो जावे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो सही अच्छे से हो जाएगा। अरे बहुत एक नंबर का टेस्ट आ, बहुत बढ़िया जमा, और बाहर के मिठाई तो 100 गुना बेटर है। मैंने पहले भी बनाई थी एक भैया, और बहुत बढ़िया त्रिया बनी थी, और इसने इस तरह फिर मिक्स मिक्स करते रहेंगे, और जब ये गाढ़ा गाढ़ा सा होने लग जाए तो इसमें गिरेंगे चीनी जितनी अपने स्वाद अनुसार, और फिर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ने लग जाए कढ़ाई की। तो इसमें घी गिर दिया था मैंने, एक नू लगा लो 150 से 200 ग्राम तो होएगा, 150 ग्राम तो एक चम्मच जो बड़ी वैगर ने वो, और जमा बढ़िया बन गई थी। फिर नु है फिर उस तक खंडी खंडी ही ना बने जब घी ना गिरे ना, तो मैंने पिछली बार घी ना गिरा था तो मतलब पूरी प्रॉपर शेप ना आई थी बर्फी की, खंडा खंडा हरा आया था, तो इसका मैंने घी गिर था तो बढ़िया बनी थी। अपने लास्ट में दिखाऊं भी गए भाई। फाइनली हमारी मिठाई जो बनकर होगी है तैयार, देख लो खा लो आप भी गाइस, बिल्कुल एक नंबर की बनी है। और फिर चांद का टाइम हो गया था निकलन का, रोटी रोटी मैंने बना ली थी पहले सब, और चंदा मामा आ गए हैं तो फटाफट अपनी पूजा भी कर ले हैं, और इसी के साथ व्लॉग एंड करा। हाँ अपने अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, ज़्यादा तो बड़ा नहीं था बस कुछ क्लिप थी दो चार, तो मैं सोची चलो शेयर कर दो आपके साथ भी,
और अपना अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करियो, शेयर कर दियो, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दियो। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ आवे। जितने भी बहन मेरी माता जो भी देख रहे स्वागन, उनका स्वागत सदा बना रहे। बाय बाय।